फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सॉल्यूशन। कंप्यूटर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें और मेरी न्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आपके साथ शेयर करते हैं कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर ऐप किस प्रकार इंस्टॉल करें और किस प्रकार डाउनलोड करें नेट से। डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए सबसे पहले हमें ब्राउजर ऑन कर लेते हैं। जैसे अलग अलग ब्राउजर दिए होते हैं कंप्यूटर में, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, इस प्रकार इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी आपके सिस्टम में हो वो कोई भी आप ब्राउजर ऑन कर सकते हैं। मैं यहाँ मोजिला ब्राउजर ऑन कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने मोजिला ब्राउजर ओपन कर लिया है। यहाँ पे सर्च के अंदर www.google.com टाइप करेंगे। ठीक है, हमने www.google.com टाइप कर लिया है। ठीक है, और फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखिए हमारा गूगल ओपन हो गया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइपिंग मास्टर लिखेंगे, तब ये देखिए नीचे अलग अलग आगे टाइपिंग मास्टर के बारे में। हमें टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करना है तो क्या करेंगे, टाइपिंग मास्टर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसमें टाइपिंग मास्टर के डाउनलोड करने के अलग अलग वर्जन दिए हुए हैं। हम ये टाइपिंग मास्टर लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे, इस पर क्लिक कर लेते हैं। हम टाइपिंग मास्टर लेटेस्ट वर्जन पे, ये फ्री भी है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। आगे क्या है, टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करना है तो क्या, ये देखिए टाइपिंग मास्टर फॉर विंडोज आ गया। तो ये देखिए, ये इसका डाउनलोड का टाइपिंग मास्टर है। तो यहाँ पे देर का फ्री डाउनलोड, और ये देखिए डाउनलोड का एरर भी देर का है। हम इस पे ग्रीन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए प्रोसेस होने लगे डाउनलोडिंग के लिए, ओपन होने के लिए। ये देखिए डाउनलोडिंग फाइल करने के लिए ये फाइल ओपन हो गई है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, सेव फाइल आया है लिखा हुआ, इस पे क्लिक करेंगे, ये भी प्रोसेस हो रहा है जो हमने सेव फाइल पे किया था क्लिक। और यहाँ जो डाउनलोडिंग का हमें ऑप्शन दिया हुआ था वहां पे हमारी ये फाइल सेव हो गई है और डाउनलोड हो गई है हमारी फाइल। मिनिमाइज कर लेना है और देखना है हमारी जहाँ पे डाउनलोड होती है फाइल वहाँ पे चेक करेंगे। जैसे हम माई कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे और इसमें ये देखिए डाउनलोड्स ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ आ गया है टाइपिंग मास्टर डाउनलोडिंग। तो इस पर क्लिक करेंगे हम, टाइपिंग मास्टर पर डबल क्लिक कर लिया, टाइपिंग मास्टर पे क्लिक किया था तो फिर इसके बाद इस प्रकार एक स्क्रीन ओपन हो गई है। फिर इसमें देखिए रन और कैंसिल दो दे रखा है। हमें इंस्टॉल करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रन पर क्लिक करेंगे। देखिए लैंग्वेज टू यूज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, आपको इंग्लिश में करनी है या अलग लैंग्वेज में इंस्टॉल करनी है, लेकिन हमें इंग्लिश टाइपिंग मास्टर है तो इंग्लिश में ही करनी है इंस्टॉलेशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, ओके क्लिक, ये देखिए इस प्रकार ओपन हो रहा है, वो ओपन हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है, यहाँ नेक्स्ट और कैंसिल दे रखा है, तो फिर हम किस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर देखिए यहाँ फिर दो ऑप्शन दिए हैं हमें, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, आई डू नॉट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। हमें इंस्टॉल करना है तो क्या करेंगे, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी दे रखा है बैक, नेक्स्ट, कैंसिल है, तो हम इस पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर इसी प्रकार ये हमारी सिस्टम में फोल्डर सेव दिया होता है, उसके अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए शो होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसी प्रकार फिर नेक्स्ट आ गया दोबारा। फिर यहाँ पे क्या आया, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट के बाद इंस्टॉल, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारी फाइल इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए हमारी फाइल इंस्टॉल हो गई है। फिर ये देखिए कंप्लीट होने पे फिनिश आ गया है,
ये देखिए हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। फिर देखिए फिनिश होने के बाद टाइपिंग मास्टर वेलकम न्यू यूजर आ गया हमारा। यहाँ पे क्या है, एंटर यूअर नेम, आपका जो नेम है वो टाइप कर दीजिए आप अपनी मर्जी से। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी नेम टाइप कर देती हूँ। मैंने जैसे यह टाइपिंग मास्टर में एंटर यूअर नेम विहान कर दिया। फिर यह देखिए नीचे एंटर आया है, एंटर पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये टाइपिंग मास्टर की आ गया है। आपको कौन सी किस प्रकार टाइपिंग करनी है सारी दे रखी है इसमें ऑप्शन। टाइपिंग टेस्ट भी दिए हैं, ये देखिए आप इनमें से कोई भी टेस्ट पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर ये देखिए टाइमिंग दे रखा है और स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो फिर ये टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके लिए पहले हमें पहले टाइपिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इसलिए क्या करेंगे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। फिर लेसन स्टार्ट करेंगे हम, इसमें 12 लेसन दिए हुए हैं। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए 12 लेसन शो कर रहे हैं इसमें। और फर्स्ट लेसन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आगे नेक्स्ट करेंगे तो लेसन 2 हो जाएगा, लेकिन हमें पहले फर्स्ट ही करना है। तो ये देखिए फर्स्ट पे फर्स्ट पॉइंट लेसन का किया है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसी प्रकार। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखिए 5 पॉइंट दिखा रही है। ये देखिए इस प्रकार सेकंड पे किया तो फिर इस प्रकार टाइपिंग सीखने के लिए हमें एंटर की दिखा दी। इस प्रकार आप अपनी टाइपिंग आसानी से सीख सकते हैं। इसमें देखिए टाइपिंग कीज दे रखी है, वे टाइप कीबोर्ड पे हमें किस प्रकार हमारी फिंगर सेट करनी है जिससे हम टाइपिंग फास्ट और आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसमें डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीख लिया है कि टाइपिंग मास्टर किस प्रकार कंप्यूटर में हम आसानी से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। धन्यवाद।